हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं वीरू विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की वीडियो में। अभी हाल ही में जर्मनी की कंपनी एलस्ट्रॉम SA ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस ट्रेन में हाइड्रोजन फ्यूल भरने में 20 मिनट से भी कम का समय लगता है। हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले रेल वाहन को हाइड्रेल कहते हैं। एक बार के फ्यूल भरने में यह ट्रेन 1000 किलोमीटर तक चल सकती है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल से चलती है। इसके तहत फ्यूल का इस्तेमाल हाइड्रोजन इंटरनल कम्बक्शन इंजन या फिर हाइड्रोन फ्यूल सेल में ऑक्सीजन के रिएक्शन से चलाई जाती है। हाइड्रोजन ईंधन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि डीजल से चलने वाले ट्रेन के मुकाबले इससे 0% पॉल्यूशन यानी 0% प्रदूषण होगा। ये ट्रेनें वेस्ट के रूप में सिर्फ भाप और पानी ही छोड़ती हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले साल से यानी 2023 से भारत में भी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलेगी। ऐसा करने के बाद भारत हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा जहां पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन चलेगी। अभी केवल जर्मनी में ही हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल किया गया है और वहां पर जल्द ही पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी है। उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर से आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।